पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग का 21वां मुकाबला जो कि रावलपिंडी का दूसरा मुकाबला है इस साल का, और ये अब सेकेंड फेज में आ गई है पीएसएल, जहां पर सभी टीमें आपस में दूसरी बार भिड़ने जा रही है दूसरी बार मैचेस की। जब बात करने वाले 21वें मुकाबले की जो कि खिलाएगा पेशावर जालमी और मुल्तान सुल्तान के बीच में, ये दोनों टीमें जब आखिरी बार भिड़ी थी तो एक घोड़ा मैच उड़ा था जिसमें मुल्तान जीता हुआ मैच हार गई थी। ये मुकाबला भी एक घोड़ा होने वाला है और बहुत ही बढ़िया मुकाबला होगा, बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा। रावलपिंडी ग्राउंड में होगा जहाँ पर बैटिंग पैराडाइज है, जहाँ पर अच्छे स्कोर बन रहे होगा, मुकाबला भी मुझे लगता है काफी हाई स्कोरिंग रहेगा और एक चेजिंग मैच होना चाहिए। जैसे कल के वीडियो में बोला था एक डिफेंडिंग मैच होना चाहिए आज के मैच के मैच कि एक चेजिंग मैच होना चाहिए 21वां मैच। तो बात कर लेते हैं किस ग्राउंड में स्टेट्स क्या कहते हैं। स्टेट्स कहते हैं कि ये दोनों टीमें लास्ट 10 मैचेस में 8-2 का रेशियो रहा है। पेशावर जालमी 2 बार जीती है और वहीं पर मुल्तान सुल्तान टोटल 8 बार जीती है इस ग्राउंड में। वहीं पर बात करेंगे पेशावर जालमी और मुल्तान सुल्तान का इस ग्राउंड के बारे में, तो इस ग्राउंड में इनका जो रिकॉर्ड है वो है कि पेशावर जालमी 9 में से 66% मैचेस जीती, यानी अगर कहे तो कल का मुकाबला होगा 10 में से 5 मुकाबले जीती है, 5 हारी है पेशावर जालमी। यहाँ पर मुल्तान सुल्तान ने 4 मुकाबले खेले जिसमें से 3 जीते, और कल का मुकाबले मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान जीत सकती है। टोटल यहाँ पर 12 मैचेस हुए हैं जिसमें से डिफेंड के परसेंटेज ज़्यादा है, चेस के थोड़े से कम है, बट बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं, 12 में से 5-7 का रेशियो है, 5-7 का। पेसर्स के ऊपर ज़्यादा विकेट मिलते हैं, अभी भी मिले हैं और कल भी मिलेंगे। स्पिनर फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैच के लिए काफी अहम हो सकते हैं, बाकी ड्रीम 11 के लिए पेसर्स, आप पेसर्स को रखेंगे तो आपको पॉइंट ज्यादा मिलेगा, बाकी स्पिनर मैच के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और ड्रीम 11 के लिहाज से आपके इंपॉर्टेंट है पेसर्स। वही बात करके पेशावर दल में मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11, पेशावर की तरफ से श्याम अय्यूब, बाबर आजम, मोहम्मद हैरिस, टॉम कैलर, कॉडमोन, रॉबिन पॉवेल, पॉल वॉल्टर, लेक वुड, आमिर जमाल, मोहम्मद जीशान, अमीन याकूब और सलमान निशाद, ये प्लेइंग 11 होने वाली है। मैं चाहता हूँ टॉम कैलेट का एडमोर किए हुए किसी और को खिलाया जाए, हसीबुल्ला को खिलाया जाए, और वहीं पर मुल्तान सुल्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान, रजा हैंड्रिक्स, उस्मान खान, तैयब ताहिर, इफ्तिकार अहमद, खुशदिल शाह, डेविड विले, क्रिस जॉर्डन, उसामा मीर, मोई मोहम्मद अली, फाकिर अकरम, इसके अब्बास अफरीदी फिट हो तो मैं चाहूंगा कि, बाकी मुल्तान सुल्तान मुझे काफी ज्यादा फिट नजर आ रही है, पेशावर भी काफी ज्यादा फिट है, और कल के मुकाबले में जो इस्लामाबाद के सामने जो इनके टॉप ऑर्डर ने जो अपना कारनामा दिखाया है वो काबिले तारीफ है, बट कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद अगर बात करें हम ड्रीम 11 टीम के बारे में, तो इनकी ड्रीम 11 टीम कुछ इस प्रकार से होने वाली है, जिसमें आपको विकेट कीपिंग के तौर पे आपको मोहम्मद रिजवान एज अ कैप्टन भी दिखेंगे, उस्मान खान साहब, रिजा हैंड्रिक्स, बाबर आजम वाइस कैप्टन रख सकते हैं, शाम अयुब कोई वाइस कैप्टन, क्रिस जॉर्डन, पॉल वॉल्टर, ये दोनों इनकी ऑलराउंडर, लेक वुड, डेविड विले, सलमान इरशाद, मोहम्मद अली, ये 4 बॉलर रहेंगे। और यहाँ पर स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा होगा, एक व्हाट्सअप नंबर जिस पर आप जोड़ सकते हैं और आप जोड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम आईडी से भी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर।